नमस्कार बच्चा पार्टी सभी कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे शानदार होंगे बहुत जबरदस्त होंगे तुम आग लगा दो माहौल में एनटीपीसी का पार्ट में आज आपको सिखाऊंगा एक बहुत बेहतरीन सी कला मैं आपको सिखाऊंगा नचाने की तरीके सिखाऊंगा और आप समझोगे ध्यान से आज से हमारा ये मामला शुरू हो रहा है आज से हमारा ये पार्ट शुरू हो रहा है तो आ जाओ जल्दी जल्दी आग लगा देते हैं माहौल में बहुत बेहतरीन इसमें मैथ्स पढ़ाऊंगा रीजनिंग मोहित सर पढ़ाएंगे शिल्पे मैडम आपको साइंस पढ़ाएंगे आपको आनंद सर पढ़ाएंगे रेलवे का ये जबरदस्त सपार्ट सुनेंगे ध्यान से ठीक है मैं आपको और बात बताता हूं अगर आप मामले को पढ़ना चाहते हो देखो सीक्वेंस में ठीक है देखो ये हमारा पेड बैच है ये पेड बैच है हमारा इसमें आप देख सकते ठीक है इसे आप देख सकते आप ये क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो ठीक है इसके अलावा आप फुल कॉम्बो बैच लेना चाहते हो तो ये क्लास आप देख सकते हो साहब इसके अलावा ये जो बैच में आपको बता रहा हूं अभी जस्ट यही बात मैंने आपको बताइए यही कहानियां कहने के लिए इसके बाद मैं आपको कहूंगा साहब ये कुछ बातें इस पर ध्यान देंगे जी सर जिस पर इस पर ध्यान देंगे सभी जी सर शानदार सभी का स्वागत है आज के सेशन में आपके बैच में ये क्लास बहुत कुछ कहेगी राधे राधे रजनीश कुमार बहुत बड़े विश्वजीत मृत्युंजय राहुल पांचाल राहुल कुमार सौरभ गुप्ता शिवम शर्मा विकास कुमार बहुत बढ़िया शानदार बेटा देखो, देखो सत्रह तारीख पहला महीना दो हजार सत्रह में यह पेपर हुआ था स्विफ्ट वन में तो ये पेपर मैं आज आपको कराऊंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आइडिया आपको लग जाएगा बताओ इससे बेहतरीन मामला हो सकता क्या ठीक है आज के वक्त में एनटीपीसी जो सीबीटी टू बच्चे देने जा रहे होंगे उनके लिए सीबीटी वालों के लिए तो आपको जनरल आइडिया 2017 में जो सीबीटी टू का पेपर हुआ था मेन्स हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे ये बात का आपको पता होना चाहिए क्योंकि सारे बच्चे मेरे हिसाब से जिसका सीबीटी वन निकला होगा वो फटाफट से देखेंगे ध्यान से बहुत बच्चों का निकला सीबीटी वन ठीक है ध्यान से तो हम क्या कह रहे हैं कह रहे सर आज हमारे सर स्मार्ट लग रहे हैं बहुत बढ़िया है, शानदार अगर तुम शिकारी हो सब बहुत बढ़िया देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं आर आरबी एन टीपीसी मेन्स सीबीटी मेन्स सत्रह एक दो हजार सत्रह को यह शिफ्ट वन का पेपर है जिसके क्वेश्चन जो आए हुए हैं ये मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा तो क्या आप लोग तैयार हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चा पार्टी अपने खानदानी तरीके से कमेंट करके बताएंगे सर हाँ वी आर रेडी सर हम तैयार हैं हम तैयार हैं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं ध्यान से क्या सीबीटी मेंस ये जरूरी है साहब ये जरूरी है साहब इसीलिए हम हमारे सीबीटी टू के लिए क्या करें तो दिखा रहा हूं ठीक है सीबीटी टू के लिए बता रहा हूं मैं आपको ये कि ये कि प्रीवियस एस का पेपर है जो आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोग दिख जाएगा गुरु जी सीबीटी सिलीगुड़ी बोर्ड में क्वालिफाइड बहुत बड़े चंदन प्रसाद कोर्ट तो रीता कुमारी सर और लगा दो सर ऐसी क्लासेस मैं आपको लगा दूंगा बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से हाँ नमस्कार सभी को मेरी तरफ से बहुत बेहतरीन कई कई बार नमस्कार मतलब आप लोग चेक करो ठीक है ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में हां जी सर सर वी आर रेडी सर हम यूपी पुलिस के हैं तो बेटा यूपी पुलिस का पेपर करा दूंगा में तुम घबरा क्यों रहे हो यूपी पुलिस का हो तो यूपी पुलिस का कर सोल्व है उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा ठीक है करते मामला शुरू चलो तो फिर आ जाओ बहुत बढ़िया ये रहा पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा है पाइप एंड सिस्टम है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर पाइप एंड सिस्टम है क्या पूछ रहा है पानी की टंकी में दो छेद हैं पानी की टंकी में दो छेद है फटा 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 आंसर करेंगे। पानी की टंकी में दो छेद हैं बेटा बैच तो आपको केडी लाइव ऐप कितने है? दो लेट्स क्रैक ठीक है बहुत आग लगा दो लगाओ आग ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है, ठीक है देखो पानी की टंकी में दो छेद है पहला छेद अकेले टैंक को नो मिनट में खाली कर सकता दूसरा छेद अकेले टैंक को छह मिनट में खाली कर सकता यदि पानी एक स्थिर दर से रिश्ता है रिश्ता मतलब निकलता है खाली होता है ठीक है तो दोनों छेद मिलकर टंकी को कितने समय में खाली करेंगे बहुत बढ़िया ध्यान से देखो एक मान लिया हमने पहला फर्स्ट जो है बेटा फर्स्ट वाला जो है वो नाइन मिनट कह रहा है नाइन मिनट्स और सेकंड गुरु जी सेकेंड कह रहा है छह मिनट में खाली तो नो और छह से कटने वाली संख्या नो और छह से कटने वाली संख्या जल्दी फटाफट मुजफ्फरनगर में हो गया शानदार जय हिंद बहुत बेहतरीन कुमार कह मेरा जहन मुजफ्फरनगर में हो गया बेटा मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर दो चीजें हैं जल्दी फटाफट बहुत बढ़िया शानदार ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो गई है क्या ज्यादा है क्या थोड़ी सी अच्छा थोड़ा सा अब देखो लो अब तो पूरा आ रहा होगा मामला ध्यान दो नो और छह से कटने वाली संख्या नहीं बता पा रहे आप गुरु जी अठारह नौ से दो 18 छह से तीन अट्ठारह बहुत बढ़िया तो दोनों खाली करेंगे ये दो लीटर खाली कर रहे पांच लीटर इसका मतलब दोनों मिला दो बेटा अठारह बटे थ्री पॉइंट सिक्स मिनट थ्री पॉइंट सिक्स मिनट लगेंगे बात समझ आ रही है या फिर आप कह सकते आप इसे पॉइंट में नहीं ले जाना चाहते तो थ्री थ्री बाई फाइव सर तीन पांच पंद्रह तीन अट्ठारह तीन सही तीन बटा पा पांच मिनट या फिर और भी गुणा कर सकते हैं की ठीक है तो आप सेकंड्स में लेकर जा सकते हो बहुत बढ़िया सर मुजफ्फरपुर हाँ बेटा मैं यही कह रहा हूं मुजफ्फरनगर अलग है मुजफ्फरपुर अलग है दोनों का एक एक भाई साहब बिहार में है एक उत्तर प्रदेश में एक जगह दंगा हुआ था एक जगह रेलवे बोर्ड हुआ था ठीक है तो भैया बताओ पैर छूकर नमस्कार गुरु जी दयाशंकर गोड ब्लेसिंग मेरे से अठारह बटे बहुत बेहतरीन ठीक है बहुत बेहतरीन बहुत शानदार चलो यहां से आ गए बहुत बढ़िया थ्री पॉइंट सिक्स कह लो या थ्री थ्री बाई फाइव कह लो बहुत बढ़िया देखो बेटा क्वेश्चन नंबर टू बताओगे ये पूछा गया पेपर में द द मोड ऑफ ठीक है इज 1, 1, 9, 9, 9 सारे क्वेश्चन दो हजार सत्रह वाले पेपर के हैं जो मैंने आपको सर मेरा कोलकाता में हो गया बहुत बढ़िया शानदार विजय बहुत बढ़िया मेरे शेर ठीक है शानदार बहुत बढ़िया देखो ध्यान से आंकड़ों का बहुलक तो अब देखो सर बारह तो एक ही आया एक कितनी बार आया एक यहां पर दूसरी बार यहां पर फिर आए नहीं इसके बाद देखो दस एक ही बार आ गया एक दो तीन चार सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है नो no. सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है नाइन सो मोड इज नाइन मोड इज नाइन बहुलक कौन है सर नो no है जो अंक सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है वही मोड होता है जो अंक सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या होता है बहुलक होता है क्या होता है मोड़ होता है तो मोड़ इज नाइन सारे कमेंट करके बताएंगे मोड़ कितना है बेटा जल्दी फटाफट बहुत ही रेयर रेयर टू रेर टू चांस है कि ऐसा हो रेयर टू रेयर टू रेयर चांस है ऐसा होकर रिवाइज नहीं होगा ऐसा रेलवे बोर्ड ने और कह दिया है ठीक है बहुत बढ़िया शानदार गुरुदेव मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ा हूं मेरा मुंबई में हो गया है बहुत बेहतरीन शानदार आपका मुंबई में हो गया जिस इसमें क्लियर हुआ है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आंसर मेरा हो गया बहुत बढ़िया शानदार बहुत बढ़िया गुरुजी ऐसे क्वेश्चन बेटा आए हुए हैं मेरे घर के बाद थोड़ा ना 2017 के पेपर में आए इसे थोड़ा सा और ऊपर पढ़ लेंगे हम तो आ जाएंगे बात बन जाएगी अपना बात बन जानी देखो भैया अगला क्वेश्चन करके बताओ कब आया 2017 में 17 तारीख पहला महीना पहली सिर्फ आर आरबीबीसी क्वेश्चन नंबर तीन जल्दी करके बताएंगे एहसान तू इतना सा कर दे ठीक है क्वेश्चन में क्या कह रहा है अहसान इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कर एज कमल एहसान कमल से दो गुना अच्छा कार्य करता है और दोनों मिलकर एक काम को 29 दिन में कर देते हैं तो कमल अकेले कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा बताओ जल्दी बिल्कुल सेम बहुत बढ़िया मृत्युंजय गॉड ब्लेस यू बेटा जल्दी फटाफट सर मैं भी बुक लाया था यही थे राहुल रंगा देखो बोल रहे ठीक है राहुल रंगा जी ने बोला सर मैं बुक लाया था और यही क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो एक एक वही डिजिट कराऊंगा घबरा मत ठीक है बिल्कुल सेम करा दूंगा डिट्टो एज इट इज देख लेना एहसान और कमल ही लिखा मिलेगा क्वेश्चन पेपर में चेक करना मैंने कुछ नहीं बदला एज इट इज करा रहा हूं देखो ध्यान से एहसान और बेटा कमल एहसान जो है वो डबल एफिशियंट है कमल से अगर कमल एक करेगा तो एहसान दो करेगा कमल अगर एक करेगा तो एहसान दो करेगा तो कह रहा है दोनों मिलकर उनतीस दिन में तो बेटा देखो दो और एक टोटल कितना होगा तीन तीन गुणा उनतीस क्या होगा टोटल वर्क हो गया तीन गुणा उनतीस क्या होगा मेरे शेयर टोटल वर्क हो गया बहुत बढ़िया किसका पूछा कमल का कमल का तो बेटा कमल की बात अगर करते हैं तो कमल खिलाओगे कि ना खिलाओगे पहले तो ये बताओ कमल खिलेगा कि ना खिलेगा तीन गुणा उनतीस तीस नब्बे तीन कम करो नब्बे में से तीन कम करोगे सतासी तो एट्टी सेवन बाई वन आपका आंसर होगा एट्टी सेवन डेज मतलब कमल जो है वो सतासी दिन में पूरा कर पाएगा जल्दी फटाफट बहुत तेज कर गए सर सर बहुत बढ़िया जी जी यही है बिल्कुल सर, हां जी। आ, विजय कुमार सर गुरुजी इतना आसान पेपर आता सच में क्या यकीन ना हो रहा तुमसे बताओ जल्दी फटाफट विश्वजीत बहुत बढ़िया शानदार बेटा बहुत तेज करके बताओगे सर सतासी रहा है क्या सभी का एट्टी सेवन आंसर है क्या सभी का बहुत शानदार जानदार जबरदस्त तो क्या अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन के तैयार हैं तो मेरे शेर ये ले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके सामने है बेटा मेन सत्रह में सत्रह तारीख दो हजार सत्रह पहला महीना मेरा इलाहाबाद में हो गया राकेश काजी बहुत बढ़िया ऐसे ही खुशी मिलती है पढ़ते रहो पढ़ते रहो आग लगा दो माहौल में क्या कह रहा हैं विष्णु दस किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा से और आठ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है इसे पूरा करने में कुल मिनट मिनट लगते हैं। 15 15 मिनट लगते हैं हैं साहब जल्दी आंसर बताओ ठीक है जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटा, फटा, तेज करके बताओ सर ऐसे थोड़ा ना बात बढ़ने देखो ध्यान से तो हमने कहा दस किलोमीटर पर आर दस किलोमीटर पर आर इसके बाद कहा तीस किलोमीटर पर आर तीस किलोमीटर पर आर फिर कहा आठ किलोमीटर पर आर तो क्या आप एक बात जानते हो यहां डिविजिबल फिगर 240 किलोमीटर मान लिया अब देखो ध्यान से यहां से भाग दोगे सर 24 घंटे आएगा यहां से भाग देंगे सर आठ घंटे आएगा यहां से भाग दोगे सर 30 आएगा बोलो बात समझ आ रही क्या तो आप एक बात सोचो जल्दी फटाफट फटाफट सोच के बताओगे जल्दी सर चौबीस आठ और तीस चौबीस और आठ कितना होता बत्तीस और तीस बासठ घंटे हो गया टोटल 32 hours, 32 hours. और कितना लग रहा है को घंटे में बदलना मेरे को मिनट को घंटे में बदलना है तो क्या करूं बेटा इसे नीचे भाग दे दिया इकतीस बटा दो नीचे कर दिया साठ क्या इतने घंटे हो जाएंगे हां जी तो बेटा देखो सिक्सटी टू की वैल्यू है इकतीस बटा दो गुणा नीचे साठ इतने घंटे ठीक है तो एक की वैल्यू कितनी होगी इकतीस बटा दो नीचे साठ नीचे बासठ अब देखो इकतीस से बासठ गया दो बार कितने किलोमीटर 240 240 चालीस की ऊपर गुणा कर दो ध्यान से देखोगे बेटा ध्यान से जीरो से जीरो छह चार चौबीस चार से चार कट गया तो इसका मतलब एक किलोमीटर की दूरी है मात्र कितने किलोमीटर की दूरी एक किलोमीटर की पचास किलोमीटर कहां से लिया होगा भैया

टोटल कितने किलोमीटर की दूरी 240 तो 240 की वैल्यू हो जाएगी 240 बटे में 120 सौ बीस गुणा दो सौ तो 240 बटे 240 कितने किलोमीटर एक किलोमीटर मतलब एक किलोमीटर की दूरी एक किलोमीटर की दूरी आंसर आएगा ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन शानदार एक किलोमीटर की दूरी होगी आंसर आएगा साहब बिल्कुल एक बेटा मैं ये आपको पेपर करा के आपको एक किस खुशी में साहब तो साहब हमारे एक स्टाफ है, बहुत हैं बहुत बेहतरीन और ये मुझे सब सच में बहुत बेहतरीन मिठाई लगती आई लव दिस मतलब मैं रीजन बता तो इस मिठाई में कुछ भी मिलावट नहीं होती ठीक है तो मुझे सबसे अच्छी मिठाई लगती है और मुंह मीठ मीठा मुंह कराया गया इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया आर आर बी एन टी पी सी बी टी वन में तो ये मिठाई लेकर आया मैं मिलवाना चाहता था लेकिन आ, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं हमारे ठीक है तो उन प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए हम सिर्फ मिठाई खा सकते धन्यवाद आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद ठीक है आप जीवन में ऐसे नित नई ऊंचाइयों को छूते रहे और बस कामयाब होते रहें बहुत बहुत धन्यवाद जी सर मतलब आज खुशी का दिन है बहुत खुशी का दिन है खाओगे तुम तो मिठाई ये मिठाई मुझे हकीकत में बहुत अच्छी लगती इस मिठाई का नाम आप बताओगे फिर मैं आगे चलते जल्दी फटाफट बहुत तेज हाँ बहुत बढ़िया शाबाश हम्म तो आप केड़ी लाइन से बेटा बैच आया उसे आप केड़ी लाइन से बैच आया हुआ उसे आप देख सकते हो बहुत बढ़िया हम्म किस दिन स्पेशल सेशन करवाऊंगा इन लोगों का हम्म जितने तुम्हारे में से हैं स्पेशल सेशन करवाऊंगा तुम लोगों लोग घबराओ मत तुम लोग नीचे अपना जो फोन नंबर्स हैं या फिर आप वो क्या नाम है अपना पार्ट है जो आप उस पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना स्पेशल सेशन रखूंगा जब तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब मिलेंगे तुमसे ठीक है जल्दी फटाफट तेज करके खा लिया प्रोटोकॉल तोड़ के <laughs> <laughs> बिल्कुल पेठे की मिठाई है पेठे की मिठाई मुझे सेम बहुत अच्छी लगती है ठीक है इट्स माय फेवरेट मिठाई जल्दी बताओगे बेटा हिना हेमा है हेमा। हेमा एक निश्चित दूरी चलने में कुल नौ घंटे पचपन मिनट का समय लेती है हेमा एक निश्चित दूरी चलने में नौ घंटे पचपन मिनट का वक्त लेती है कब लेती है जब वो साइकिल से जाती है और पैदल मतलब बाई साइकिल साइकिल साइकिलवा हमारी साइकिल साइकिलवा ठीक है बाई साइकिल जाती और उसके बाद क्या कह रहा है ठीक है बाई वॉक जाती साइकिल से और बाई वॉक से जाती है तो देखो ध्यान से बात को ध्यान से सुनना बच्चा नौ घंटे पचपन मिनट लेती कितने नौ घंटे पचपन मिनट ध्यान से सर क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है इसमें क्वेश्चन में कुछ, कुछ दम है ही नहीं सच बता रहा हूं बिल्कुल भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में ठीक है हाँ, बहुत बढ़िया देखो ध्यान से बारह घंटे तीस मिनट बारह घंटे तीस मिनट कब लेती जब दोनों तरफ पैदल जाती यहां भी चलते 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 यू ही घंटे लग जाते बारह बारह घंटे तीस मिनट अब आप एक बात बताओ वोक वोक बारा तीस तो खाली वोक की अगर बात करूं एक तरफ की तो आधा करके छह घंटे और आधा करके पंद्रह मिनट कर दोगे नहीं कर दोगे हाँ और जब यह वोक यहां रखू छह मिनट तो क्या साइकिल की वैल्यू नहीं फेंक दोगे साइकिल साइकिल व नो में से तीन घंटे और इसमें से, से घटाओगे पांच गया पचास चालीस चालीस मिनट और गुरु जी ये किसकी है एक तरफ से साइकिल इसने कहा दोनों तरफ से साइकिल तो सर तो डबल मारो डबल मारो छह घंटे अस्सी मिनट चालीस गुणा तो अस्सी होता इधर आ गया सात घंटे बीस मिनट आंसर होगा बताओ जल्दी इसे सात घंटे बीस मिनट कितनों का है अरे वाह शाबाश राहुल रंगा रीता कुमारी बहुत बढ़िया सात घंटे बीस मिनट आ रहा है क्या समझ हम्म बहुत बेहतरीन शानदार अनुभव बालियान है ठीक है बहुत बढ़िया हम्म रजनीश कुमार है बहुत बढ़िया शानदार में बच्चे तुम लगाओगे आग ऐसे माहौल में ठीक है तब बनेगी बात जब लगेगी आग बताओ बात समझ आ रही क्या क्लियर है लाइक और शेयर कर दो बहुत बेहतरीन शानदार अरविंद शर्मा गोड ये क्यों करवा रहा हूं आपको मैं क्यों करवा रहा हूं आपको एनटीपीसी का पेपर अरे कभी तो देखोगे पेपर तो जब कभी देखोगे तो आज ही नहीं देख लेते कम से कम पता तो हो भैया कहा कर रहे हैं हम किसकी तैयारी कर रहे क्या पढ़ रहे पेपर में क्या आता कैसे क्वेश्चन बनते पेपर में हमें कंपटीशन देना है तो पेपर ये मत देखा करो कि वो एन का है वो यूपी पुलिस का है वो यूपीएसआई का है वो पेपर सीजीएल का है वो सीपीओ का है वो कोई भी भी है क्वेश्चन एक बार अगर किसी पेपर पेपर में में आया तो तो आपके पेपर में भी आ सकता तो हमें होना चाहिए कम से कम बात समझ आ रही है बहुत बढ़िया शाबाश जल्दी तो आंसर करेंगे आप अगले क्वेश्चन का बहुत टफ क्वेश्चन आया बहुत टफ ये yeah, बहुत टफ क्वेश्चन इतना टफ क्वेश्चन आया भैया क्या बताएं भैया हम ठीक है हमें पसीना आ गया इस क्वेश्चन को देखकर जल्दी बहुत बढ़िया जी अनुराग गुड यू क्या कह रहा हूं द सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेयर विद रेडियस वन सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गोला भैया ये रहा गोला गोले का प्रष्टीय क्षेत्रफल होता फोर पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू बाईस बटे साथ चार गुणा बाईस बटे सात रेडियस बेटा एक है एक का स्क्वायर एक ही होगा तो बाईस गुणा चार अठासी बटे सात आपका बिल्कुल शुद्ध रूप से आंसर होगा अठासी बटे सात सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो आंसर अठासी बटे सात सभी का बहुत बढ़िया शानदार हम बिल्कुल बोल सकते आप बेटा चार बटे तीन लोगो वॉल्यूम होता फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब यह वॉल्यूम है ये आयतन है इसने सरफेस एरिया बोल रखा सरफेस एरिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया बेटा सरफेस एरिया में बोल्यूम कुछ तो अंतर होता होगा भैया बहुत बढ़िया संदीप राजपूत मोहब्बा गॉड ब्लेसर आपकी आवाज बहुत अच्छी है ठीक है आपका दिल बहुत अच्छा है आपको दिल से सुनाई देती जो आवाज है वो अच्छी दिखाई देती है अच्छी सुनाई देती है अच्छा महसूस कराती है ठीक है आप अच्छे हैं इसलिए मैं आपको अच्छा दिखाई दे रहा हूं ठीक है सामने वाले की नजर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है क्लियर है बात समझ आई अठासी बटे सात क्लियर बहुत बढ़िया शानदार बहुत बेहतरीन ये करके दिखाओगे आप क्वेश्चन नंबर सात क्वेश्चन नंबर सात पढ़ेंगे जल्दी फटाफट बहुत बढ़िया एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पोलिगन मेजर्स नाइन डिग्री मतलब एक रेगुलर पोलिगन है ठीक है कोई बात नहीं बिहार से ठीक है सॉरी सर क्वेश्चन देखा नहीं कोई बात नहीं ठीक है ध्यान से जो मैं आपको बात बताता हूं वो ध्यान से सुनना एक्सटीरियर एंगल बोल रहा है एक पोलिगन का नाइन डिग्री है ठीक है तो कह रहा हाउ मेनी है हाउ मैनी साइडिगन है एक बात बताओगे अगर मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समवाहु त्रिभुज ध्यान से बताना जल्दी समवाहु त्रिभुज समवाहु त्रिभुज इक्विलैट्रल ट्राइंगल तो ये एंगल अंदर वाले कितने कितने डिग्री के सारे बताएं कमेंट करके अगर हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया तो ये एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे जल्दी बताओ ना फिर मैं आपको एक सेकंड में करना सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को अगर आप कह रहे जल्दी बताओ तो बेटा मैं अब तक कह दिया डिवाइड आंसर आंसर ठीक है निकालना कोई बड़ी बात ना है भैया ठीक है इतनी देर नहीं लगाता मैं क्वेश्चन को करने में 360 डिवाइड बाय 9 कौन सा 9 ये वाला 9 360 कहां से आया पहले ये बात सिखा रहा था आओ इधर तो ये आंसर होता 40 तो मेरे बच्चे मेरे बच्चे ध्यान दे आंसर तो चालीस आ गया लेकिन समझो कैसे आया समझ लोगे एक बार अगर समझाऊंगा तो देखो ध्यान से इतना पेशेंस है कि समझ लोगे लोगे समझ लो देखो ध्यान से ठीक है बहुत बढ़िया देखो ध्यान से बेटा ये साठ है ये साठ है ये भी साठ है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे हैं अब देखो ध्यान से सर एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन एंगल कितने डिग्री होता एक डिग्री होता सभी का एंगल 180 डिग्री बहुत बढ़िया गॉड ब्लेस यू मेरे शेर देखो ध्यान से अगर ये वाला बार्ट देखा हमने ये वाला 180 डिग्री होगा आंसर होगा ये वाला बाहर वाला देखा सर ये भी 180 डिग्री होगा आंसर होगा एक सॉरी 180 टोटल 180 टोटल एक 120 डिग्री होगा 180 टोटल एक 120 डिग्री होगा 180 टोटल, एक 120, होगा। 180 टोटल एक 120 होगा तो ये भी 120 होगा हां जी ये भी 120 होगा हां जी अब बताओ तो आप बाहरी कोणों का योग सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स बता दो कितना है बाहरी कोणों का योग त्रिभुज के त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग बाहरी कोणों का योग तो कहोगे 120 120 120 क्या 360 होगा त्रिभुज के बाहरी कोणों का योग क्या 360 होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रामजी भाई जी बहुत बढ़िया शानदार होगा तीन हां जी सर होगा हो। अब इसे छोड़ो अब इसे छोड़ो संभाव त्रिभुज छोड़ो अब आओ स्क्वायर पे स्क्वायर पे आ जाओ एक बार स्क्वायर पे मतलब वर्ग स्क्वायर का मतलब वर्ग अगर हमने देखो बेटा दिमाग में बैठा दूंगा ऐसा बैठा दूंगा जीवन भर में निकल गया तो मेरा नाम बदल देना ये क्वेश्चन तुम्हें परेशान नहीं करेगा आज जीवन कभी भी ध्यान दो ये नब्बे 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 के होते हाँ जी सर नब्बे 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 के ये बाहर वाला जरा बता कितने का होगा जब ये बाहर वाला बताओ ये बाहर वाला ये बाहर वाला कितने का होगा जल्दी बताओ गुरुजी जब अंदर के नब्बे 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 आपने अभी तो बताया था पूरी लाइन पे एक सौ अस्सी होता तो जब गुरु जी ये नब्बे 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 के बोलो सारे राधे राधे नब्बे नब्बे का होगा ये भी नब्बे का होगा ये भी नब्बे का होगा ये भी नब्बे का होगा होंगे सारे नब्बे 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 के होंगे जोड़ो नब्बे नब्बे एक सौ अस्सी नब्बे नब्बे एक सौ अस्सी तो बाहर वालों का जोड़ एक्सटीरियर का एक्सटीरियर का जोड़ क्या तीन सौ साठ होगा सारे जोड़ का बताएंगे एक्सटीरियर का जोड़ कितना होगा तीन सौ साठ होगा आपने देखा ट्राइंगल के बाहरी कोण ट्राइंगल के बाहरी कोणों का योग कितना तीन सौ साठ ये चतुर्भुज है चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर को यही तो है स्क्वायर भी तो एक क्वाड्रिलेटरल होता क्वाड्रिलेटरल के बाहरी कोणों का योग कितना 360 तो क्या आप एक बात समझे सर समझेगल के बाहरी कोणों का योग 360 सौ साठ हां जी क्वाड्रिलेटरल के बाहरी कोणों का योग 360 सौ साठ हां जी तो पेंटागन का कितना होगा अगर मैंने ये पेंटागन बना दिया पांच भुजाओ वाला पेंटागन का बाहरी कोणों का योग कितना होगा सारे बोलेंगे सर ये हेक्सागन अगर मैंने बनाया हेक्सागन के बाहरी कोणों का योग कितना होगा जल्दी बोलो राधे राधे हेक्सागन के बाहरी कोणों का योग कितना होगा देखो हमने देखा सर त्रिभुज में 360 है हाँ जी सर चतुर्भुज में 360 है हाँ जी तो बेटा पेंटागन में भी 360 होगा और हेक्सागन में भी 360 होगा मतलब किसी भी में भी होगा सर फिर किसी में भी होगा किसी भी बहुभुज में बाहरी कोणों का योग हमेशा कितना तीन सौ साठ बताओ ये बात समझ आएगा हम्म hmm. बात समझ मतलब हाँ आ गया सर समझ तो एक बात बताओ इसका तो पता ही नहीं कौन सा बहुभुज है इसका पता ही नहीं कौन सा बहुभुज है इतना पता है, कोई भी होगा बाहर का जोड़ तो 360 होगा हम्म hmm. बाहर का जोड़ 360 होगा जी और बाहर का एक एंगल कितने का नौ का बाहर का एक एंगल नौ का तो इसका मतलब चालीस जब एक एंगल नौ का है अच्छा त्रिभुज में कितने कोण तीन भुजाएं कितनी तीन चतुर्भुज में कितने कोण चार भुजाएं कितनी चार पंचभुज में कितने कोण पांच भुजाएं कितनी पांच तो मतलब क्या समझे भैया मतलब समझ गए गुरुजी जितने कोण उतनी भुजा तो एक कोण की वैल्यू एक कोण नौ डिग्री का और टोटल है तीन सौ साठ इसका मतलब गुरुजी जी चालीस कोण हो जाएंगे

घर की खेती है खूब मेहनत करेंगे आज इस पर ठीक है खूब मेहनत करेंगे आएगी ये बहुत जल्दी आएगी बताओ ये बात तुम समझ पाए क्या ठीक है बात तुम समझ पाए क्या जल्दी सब सारे बताएंगे कि सर रही इसका मतलब पक्की बात है सर ये डन है सर प्रोग्राम आगे चलो हम्म आगे चलो क्वेश्चन नंबर आठ को पढ़ो क्वेश्चन नंबर आठ पढ़ेंगे आठ क्वेश्चन नंबर आठ और इसकी खड़ी कर दो तुम खाट जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर आठ बताओगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार हम्म जल्दी 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 फटाफट फटाफट फटा। बहुत बढ़िया देखो ये भी एनटीपीसी वन सत्रह में यार क्या कह रहा है दो कारें एक घर से दस मिनट के अंतराल पर बोट बहुत अच्छा क्वेश्चन है सही में सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है अब एक बात देखो दो कार एक घर से दस मिनट के अंतराल पर निकलती है कितने पे दस मिनट के अंतराल बेटा इस क्वेश्चन में फंस सकते हो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लेना इसका स्क्रीनशॉट मार लेना अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का देखो ध्यान से दस मिनट के अंतराल पर और बीस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है मतलब कार की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटा देखो 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए विपरीत दिशा से आने वाली एक महिला किस गति से घर की ओर जाना चाहिए तो बताओ मुझे टाइम का रेशो बताओ टाइम का रेशो बताओ का बेटा कार का और जब विपरीत दिशा से आएगी देखो ध्यान से लिखा हुआ विपरीत दिशा से तो विपरीत दिशा से आएगी तो स्पीड जुड़ जाती फिर से बोलेंगे विपरीत दिशा से आएगी तो स्पीड जुड़ जाती क्या होता बेटा जुड़ जाती तो इसका मतलब टाइम भी ये टाइम कार का है और ये टाइम होगा कार प्लस वुमेन का जो वो महिला होगी तो ये कार का टाइम कितना इंटरवल दस और कार और वुमेन का टाइम कितना है आठ तो इसका मतलब रेशो बता दोगे आप रेशो रेशो बता दोगे आप मुझे सर लिख देंगे रेशो रेशो लिख दिया ठीक है सर लिख दिया पांच और ये लिखा काट के सर चार ठीक है तो ये किसका रेशियो है मेरे बच्चे टाइम का अगर टाइम का रेशो पांच का रेशियो कितना कितना स्पीड का रेशियो उल्टा कर देते हैं उल्टा चार से पांच स्पीड का रेशियो उल्टा चार से पांच मतलब कार की स्पीड अगर चार है तो कार और, और औरत की स्पीड पांच है तो सर इस पांच को तोड़ दू इस चार के ब्याज पर क्योंकि कार की यहां चार है तो कार की यहां भी चार होगी तो औरत की कितनी होगी एक होगी अब देखो तो कार की कितनी है बीस इसका मतलब अगर गुरुजी कार की बीस है तो चार की वैल्यू बेटा बीस है तो पांच गुणा हो गया तो एक की वैल्यू गुणा पांच करूंगा तो फाइव किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ वुमेन फाइव किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ वुमेन वुमेन की स्पीड कितनी होगी किलोमीटर प्रति घंटा सभी का आंसर आना चाहिए था पांच किलोमीटर पर आर बताओ पर आर बताओ बताओ बात समझ समझ आ क्या किलोमीटर पर रही है सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चंस पेपर क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा मैं एक बार हट जा रहा हूं फटाक से स्क्रीन शॉट मार लेना क्योंकि काम आएगा तुम्हें ठीक है स्क्रीन शॉट नहीं लोगे तो सर नोट करना तुम ठीक है नोट करो या स्क्रीन शॉट लो ये, तुम्हारी सिरदर्दी है मेरा फर्ज था बताने का ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ लेता कई बार ठीक है बहुत बढ़िया शानदार 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 बहुत बढ़िया हम्म बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन हम्म चलू आगे आते चलो 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 आगे चलो आगे चले आगे चले शानदार तो मेरे बच्चे मेरे शेर मेरे शिकारी क्वेश्चन नंबर नो आपके सामने खड़ा है वेट कर रहा है आपकी कि भैया आंसर दे दोगे एक बार एक बार आंसर दे दोगे क्या अरे जल्दी आंसर दे दोगे क्या बहुत बढ़िया क्या कर रहा है मामला देखो ध्यान से दिशा ने रुपए उधार लिए कितने पांच सौ ने कितने रुपए उधार लिए पांच सौ पांच प्रतिशत पांच प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर चार वर्ष बाद अपना कर्ज चुकाने के लिए वह कितनी राशि का भुगतान करेगी जल्दी बताओ फटाफट बहुत तेज दिशा बोरोड रुपीज फाइव हंड्रेड एंड फाइव परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट वट अमाउंट इन रूपीज शानदार भैया पांच सौ तो लिए पच्चीस रुपये मतलब, मतलब गुरु जी एक साल का ब्याज पच्चीस रुपए एक साल का ब्याज पच्चीस रुपए देगी और कितने साल के लिए लिए चार साल के लिए इसका मतलब एक साल का ब्याज पच्चीस तो चार साल का ब्याज सौ रुपए

समझ आ रही मेरी बात हम्म कुछ बातें आपको इस तरीके से पता चल रही होंगी मामला मतलब इस तरह क्वेश्चन देखो कब आया सत्रह में आया बेटा तो, ये लास्ट पेपर सीबीटी का सत्रह में ही हुआ था तभी आया था हम हम इससे ऊपर पढ़ेंगे हम इससे ऊपर पढ़ेंगे नीचे ना पढ़ेंगे भैया ऊपर पढ़ेंगे क्योंकि सत्रह और बाईस सत्रह और बाईस गुरु इतने साल का अंतर आ गया पांच साल का कितने साल का अंतर आ गया साल का तो थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा गोड ब्लेसा ऊपर बढ़ेंगे ना तो कम से कम सात आठ पॉइंट ऊपर पड़ेंगे इनसे ठीक है फेंक देगा प्राण बाहर पेपर देखते के साथ ही तुम्हें अगला क्वेश्चन मुझे देखता हूं कितना तेज बताओगे आप क्वेश्चन नंबर दस बहुत तेज करके क्वेश्चन नंबर दस बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया शानदार बताओ क्वेश्चन पढ़ो ठीक है ये भी Means में ठीक है है ठीक बेटा आपके पास अगर प्रीवियस ईयर की बुक हो तो वहां से भी देख सकते हो ठीक है आपके पास प्रीवियस के पेपर कोई से भी फॉर्मेट में हो पीडीएफ में देख लेना इन क्वेश्चंस को आप खुद देखोगे कि हाँ गुरु जी डिजिट भी नहीं बदली है ठीक है सीधा सीधा आपने वही पढ़ाया है जो पेपर में आया है ठीक है तो आप खुद देखो क्वेश्चन करने में कितना वक्त लगता है कुछ भी लगता गुरु जी पच्चीस में से बाईस नंबर आए हैं इसके बताओ परसेंटेज के लिए है पच्चीस चौका सो बाईस चौका अठासी बताओ 88 इसमें वक्त लगेगा आपको वक्त लग गया तो इसका मतलब हमारा क्या फायदा हुआ फिर बेटा संजीत कुमार मैं तीन बजे यूट्यूब पर रोजाना आता हूं आप लोग वहां तो जुड़े, जुड़े। बारह सो तेरह 1300 बच्चे लाइव हैं डेली पढ़ा पढ़ो बेटा आपको अच्छा लगेगा दो दो बार पढ़ो तीन तीन बार पढ़ो चार चार बार ठीक है कंपटीशन देखो नजारा देखो बात समझ आ रही है तो धीरे धीरे चीजों को समझो साहब आपको बातें समझ में आएंगी क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपका मामला क्लियर हो गया होगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चलो यहां से आ गए ये बात आपको समझ में आई अठासी परसेंट क्या सभी का आंसर आ रहा है एक तरफ से सभी का आंसर आ रहा है अठासी परसेंट बहुत बेहतरीन शानदार जबरदस्त ठीक है हाँ बहुत बढ़िया तो ये बात जो मैं आपको बोल रहा था मेरे बच्चे जो बात मैं आपको बोल रहा था मैं ये बोल रहा था किसके लिए आपका जो ये वाला मामला है देखो ये था सीबीटी वन बहुत बच्चों का क्लियर हो रखा है तो उन्हें थोड़ा सा एक आपको देना जरूरी था इसके अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं कल और मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा सेट के और क्वेश्चन जो बचे हुए हैं कल वे मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरे बात समझ आ रही है मस्त है ठीक है तो कल फिर आप मेरे से यही क्वेश्चन की उम्मीद करके जुड़ेंगे ठीक है आपके अपने इसी बैच में ठीक है बात समझ आ रही है तो आप समझोगे ये एनटीपी सीबीटी वन मेन्स का ही पार्ट है सीबीटी टू कह लो या मेन्स कह लो बात एक ही है ठीक है पेपर में मेन्स लिखा हुआ था इसलिए हमने मेन्स लिख दिया कोई दिक्कत नहीं देखो ध्यान से तो आप देखो ये केडी लाइव के मेरे सारे बैचेज हैं आप देख सकते हैं ठीक है देखो एक बैच केडी लाइव मेरा ये है इसे आप देख सकते हैं इसे मैथ्स पढ़ाऊंगा जो रेलवे का सीबीटी टू का बैच है ठीक है मोहित सर रीजनिंग पढ़ाएंगे सिल्पी मैम आपको साइंस पढ़ाएंगे और स्टेटिक जी का आपको अन आंसर पढ़ाएंगे मैं आपको दो मिनट बता देता हूँ बस बैच के बारे में फिर चलते हैं ठीक है इसके बाद सर ये तीन बजे वाली आपकी क्लास है ये तीन बजे वाला आपका परिवार है इस परिवार में जरूर जुड़े परिवार है, है। पढ़ाऊंगा और जीएस आपकी पूरी टीम पढ़ा रही होगी बेटा ठीक है ये सीबी के बारे में आपको एडवांस मैथ्स का बैच है छह से सात चलता है इसमें स्टार्ट करे जो मैट्रिक्स है पूरा एडवांस ही पढ़ाऊंगा

एडवांस भी पूरा पढ़ते हैं ठीक है ये प्री प्लस मेंस का बैच है किसका बैच है प्री प्लस मेंस एस इसमें कोई भी पेपर होगा वो सारा कवर कर जाएंगे सारा पेपर कवर कर जाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया समझ पा रहे बात मेरी बात आप इस बात को समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं यहां तक इसके बाद देखो सर ये प्रैक्टिस बैच अगर आपको प्रैक्टिस लेना है प्रैक्टिस बैच आपको लेना है तो प्रैक्टिस बैच पूरा मतलब उसमें मैथ्स तो में पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग आपके मोहित सर पढ़ा रहे होंगे ठीक है रीजनिंग मोहित सर पढ़ाएंगे मैथ्स तो में पढ़ा रहा हूँ उसमें दोनों के दोनों साथ साथ कोम्बो लोगे तो आपको बारह सौ पढ़ेगा सिंगल अगर आपने लिया सिंगल पार्ट लिया तो एक पार्ट आपको सेवन डबल नाइन खाली मैथ्स लोगे तब भी सेवन डबल नाइन का खाली रीजनिंग लोगे तब भी सेवन डबल नाइन का ठीक है साहब इसके बाद देखो वैदिक मैथ्स आप लेना चाहते हो तो सर फोर नाइन नाइन में पड़ेगा वैदिक मैथ्स आप लेना चाहते हो 499 में आपको ये मिलेगा ठीक है इसके बाद यूपी कॉन्स्टेबल के लिए आप जाना चाहते हो तो इसमें मैथ्स पढ़ाऊंगा रीजनिंग जी के पढ़ाएंगे आनंद सर के पढ़ाएंगे इसमें आनंद सर ये यूपी कॉन्स्टेबल के लिए है यूपी कॉन्स्टेबल के बैच में आप जुड़ना चाहते हो तो आप इसमें जुड़ सकते हो ठीक है केड़ी लाइव ऐप से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो और इसका हिसाब किताब आप देख सकते हो ठीक है इसके बाद अगर आप खाली मैथ्स पढ़ना चाहते हो यूपी कॉन्स्टेबल वाले पार्ट में तो आप सिक्स डबल नाइन में स्पार्ट के साथ जुड़ सकते हो ठीक है सर इसके बाद आप यूपी लेखपाल लेखपाल में में अगर जाना चाहते हो देखो क्या क्या आता मैथ्स आएगा हिंदी आएगी यूपी जीके आएगी और ग्राम विकास आएगा तो ग्राम विकास इसमें एक्स्ट्रा देखो कॉन्स्टेबल में क्या होगा कॉन्स्टेबल में कहीं ग्राम विकास नहीं है कॉन्स्टेबल में कहीं ग्राम विकास नहीं है कॉन्स्टेबल में और लेखपाल में क्या ग्राम विकास है रीजनिंग हट जाएगी लेखपाल में और ग्राम विकास एड हो जाएगा ठीक है तो ये बात देख थोड़ा थोड़ा हाँ सा मेंस, मेंस पांच अर्थमेटिक छह से सात एडवांस दो घंटे रोज पढ़ाता हूं उन्हें दो घंटे रोज पढ़ाता हूं तो आप मेहनत करो तो आप चीजों को समझ पाओगे क्लियर है तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर सेशन अच्छा लगा तो यहां आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि हाँ सर मुझे अच्छा लगा सेशन ठीक है और अब कल की क्लास में फिर मैं आपको ऐसा ही सेशन एक और बताऊंगा एन टी सी वन के ही सी बी टू के जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें कल फिर करेंगे हम साढ़े आठ बजे मिलेंगे मेरे से इसी चैनल पर इसी मास्टर जी के साथ इसी बैच में कल फिर मुलाकात होगी आपसे थैंक यू नाइस टू मीट यू गॉड ब्लेस टाटा बाय बाय जय हिंद जय जा भारत